बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। रणवीर सिंह स्टारर जयेश भाई जोरदार को आखिरकार 13 मई को रिलीज किया गया। फिल्म जिसकी शूटिंग फरवरी 2020 में खत्म हो गई थी पर महामारी के कारण देरी से रिलीज हुई थी। हाल ही में कुछ फिल्मों के विपरीत इस फिल्म का प्रोड्यूस करने वाले स्टूडियो यशराज फिल्म्स ने टिकट की कीमतों को रिजनेबल रखने के लिए दर्शकों और उद्योग के कुछ वर्गों से वाहवाही बटोरी है। बस्ती क्षेत्र के अधिकांश एग्जीबिटर ने जयेश भाई जोरदार की भूमिका नहीं दिखाने का विकल्प चुना। एक सूत्र ने बताया सीपी में YRF ने डिस्ट्रीब्यूटर से सिंगल स्क्रीन थिएटर में फिल्म रिलीज करने के लिए 60% फीसदी रेवेन्यू शेयर मांगा। यह एग्जीबिटर्स को स्वीकार नहीं था क्योंकि जयेश भाई जोरदार एक इवेंट फिल्म नहीं है। वे फिल्म का सामान्य 50% या 52.5% रेवेन्यू शेयर करने के लिए तैयार थे। जब YRF ने बातचीत करने से इनकार कर दिया तो सीपी क्षेत्र के अधिकांश सिंगल स्क्रीन थिएटर ने जयेश भाई जोरदार को प्रदर्शित नहीं करने का फैसला किया। सूत्र ने कहा एग्जीबिटर्स के पास डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की फिल्म विकल्प में थी जिसने पिछले हफ्ते में अच्छा प्रदर्शन किया था। साथ ही मराठी फिल्म धर्मवीर जयेश भाई जोरदार के साथ रिलीज हुई है और इस फिल्म ने भी बहुत एक्साइटमेंट पैदा किया है जिसके चलते एग्जीबिटर को कोई नुकसान नहीं हुआ। सूत्र ने आगे कहा इसी कारण नागपुर रायपुर और भी शहरों में सिंगल स्क्रीन थिएटर जयेश भाई जोरदार नहीं प्ले कर रहे हैं। इस क्षेत्र में 300 से भी अधिक सिंगल स्क्रीनों में से केवल 30 ही सोशल कॉमेडी प्ले कर रहे हैं। ये 30 थिएटर फिल्म को दिखाने के लिए तभी सहमत हुए जब YRF ने उनके साथ शर्तों पर सहमत हो गए। सूत्र ने आगे कहा परिणाम स्वरूप नागपुर रायपुर आदि शहरों में जयेश भाई जोरदार की ऑल इंडिया स्क्रीन 2250 है। यह संख्या निश्चित रूप से अधिक होती यदि सीपी में सिंगल स्क्रीन फिल्म को चलाया होता। दिव्यांग ठक्कर द्वारा लिखित और निर्देशित जयेश भाई जोरदार में बोमन ईरानी और रत्ना पाठक शाह भी हैं और ये शालिनी पांडे का बॉलीवुड डेब्यू है। आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहें व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ।